नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों साक्षी महाराज बोले, चार औरतें और 40 बच्चे भूल जाओ, जल्द ला रहे हैं जनसंख्या रोकने का कानून। दोस्तों पूरी खबर जानने से पहले छोटा सा गुजारिश है आपसे, वीडियो पर एक लाइक कर दे और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर दे। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में जनसंख्या रोकने का कानून लागू हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। आपको बता दे कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश की अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। जी हाँ, देश भर में विपक्षी पार्टियां यह भ्रम फैलाने में लगी है कि बीजेपी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाली है, बीजेपी देश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देगी आदि आदि। लेकिन सच तो यह है कि नागरिकता संशोधन कानून केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए और मुस्लिम शरणार्थियों के लिए आया है। 2014 से भारत में रह रहे सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो जाएगी। बात करें उस झूठ की जिसमें विपक्ष हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि अब किसी भी मुस्लिम को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल झूठ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान गायक अदनान सामी की तरह नियमों का पालन करके कोई भी मुस्लिम किसी भी देश से भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। अब क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं होते, इसलिए उनका नाम नागरिकता संशोधन कानून में नहीं है। बात रही शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क की, तो शरणार्थी का पूरा बायोडाटा सरकार के पास होता है, वो कौन है, क्या है और सबसे जरूरी किस जगह पर है। घुसपैठिया की कोई खबर सरकार के पास नहीं होती तो हो सकता वो आतंकी हो, जासूस हो, गुंडा हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो। ऐसे में इसलिए इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात अमित शाह करते हैं। और अगर वो नॉर्मल सिर्फ एक इंसान है तो उससे आग्रह किया जाएगा कि वो अपने देश जाए और कानूनी प्रक्रिया के साथ भारत आए। खैर, देश में बहुत ज्यादा हंगामा, झूठ फैलाने में विपक्षी पार्टियां कामयाब रही और बीजेपी को झारखंड गवाना पड़ा। अब साक्षी महाराज ने उद्दाव में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए बयान दिया कि दोस्तों देखिए, देश में चार औरतें 40 बच्चे नहीं चलेंगे। हम जनसंख्या रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। हमारे दो जनसंख्या रोकने का कानून 2024 से पहले आएगा। उन्होंने CAA की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम अकेले हिंदुस्तान की रक्षा कर लेंगे, इसलिए जनसंख्या रोकने का भी कानून 2024 से पहले लाना होगा। नागरिकता संशोधन कानून की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं दिल से इसका स्वागत करता हूं, यह धर्म के आधार पर नहीं है। उन्होंने अमित शाह की तरफ घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि घुसपैठियों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, घुसपैठिए जो भी है वापस जाएंगे, इसलिए कानून लेकर आए हैं। जब भी बीजेपी देश से किसी